हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल प्रीति किचन और मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। फ्रेंड्स, हम आज बनाएंगे सबसे आसान तरीके से आम का अचार। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की ऑल वाली ऑप्शन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें लगने वाला है 1.5 kg कच्चा आम। उनको इस तरीके से पीसेस में कट करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इन सारे पीसेस को नमक में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनको 12 से 14 घंटों तक ढककर छोड़ दीजिए। इसके बाद हम इसको नमक में इसलिए मिलाते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है आउटर लेयर का निकल जाए और उसकी टेस्ट उभर कर आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करके 12 से 14 घंटों तक छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इसका पानी निकाल देना है, ठीक है, जो नमक वाला पानी होता है, और इनको अच्छे से सुखाना है। इसके लिए हमें जो है 1 पाव यानी 250 से 300 ग्राम का हमें खाने का तेल लगेगा। जो भी तेल आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तेल को हाई फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हॉट करने के बाद इसको ठंडा होने दीजिए। ये जब आधा ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 लहसुन की कलियाँ। 4 लहसुन की कलियाँ डालने के बाद वो जब तक कुक होती है तब तक मैं आपको आगे की प्रोसेसर बताती हूँ। इसमें हमें लगने वाली है मस्टर्ड की दाल। जो राई होती है उसकी दाल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसके साथ जो मसाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, लहसुन की कलियाँ बिल्कुल जलने गई है और बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर पर ही हमने लहसुन की कली इसमें डाली थी। जो आम के पीसेस है, नमक का पानी पूरा फेंक दीजिए और ये पीसेस को आप पानी से धो लीजिए। इसके बाद हमें हर पीसेस को ड्राई कर देना है। अच्छे से पोंछ कर मैंने फ़ैन के नीचे इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद हमें इसमें जो मिर्च का पाउडर लगेगा वो है 1/2 कटोरी से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 5 टेबल स्पून, ठीक है, 5 टेबल स्पून इसमें। और 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक और हल्दी। और राई की जो दाल है ये हम लगने वाली है हमें 100 से 125 ग्राम, यानी 1 पाव से कम, ऑलमोस्ट 1/2 पाव हम दाल यूज़ करने वाले हैं। अब क्या करना है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तेल, गरम तेल में हमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए, मैं अपनी फिंगर से उसको टच कर सकती हूँ, पूरा ठंडा हो चुका है तेल। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। आप नमक का जो प्रोपोर्शन है आप बाद में इसको अच्छे से देख सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि पहले अगर नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। और 1/2 कटोरी यानी 5 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है मिर्च का पाउडर। कोई भी मिर्च का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, आपके जो घर में अवेलेबल है, ओके। इसके साथ हम इसमें डालेंगे राई। तो राई हमने डाली है 125 ग्राम। बहुत ज़्यादा राई डालने की ज़रूरत नहीं, राई की जो दाल है वो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। इतना मसाला 1.5 किलो जो आम का अचार है, आम का अचार बनाने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जब हम ये आम के पीसेस डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये जो तेल है उसके ऊपर तैरना होना चाहिए, तैरता हुआ दिखना चाहिए, ओके। इस प्रोपोर्शन से अगर आप घर पे आम का अचार बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मौसम में हमें कच्चे थे हमारे आम, उसी वक्त हमें क्या करना है, उसको कट कर लेना है कटनी से। अगर आप उसको 2 दिन भी छोड़ देते हैं बाहर तो वो अंदर से पक जाते हैं। आम को तुरंत ही कट करके उसकी प्रोसीजर अचार के लिए शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो आपका आम का जो अचार है वो आम मीठे हो जाएंगे तो टेस्टी नहीं बनेगा। तो चलिए, इसको ये तो रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आम की पीसेस। सारे आम की पीसेस अच्छे से ड्राई होने के बाद हमने इसमें मिलाना है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते देखते भूल तो नहीं गए, वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ बहुत इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान
ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बिल्कुल बनता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन की ऑल वाली ऑप्शन को भी क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहे। तो ये देखिए हमारा अचार बनके रेडी है। अब कर लीजिए इसको स्टोर और खाने का आनंद लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये अचार बना लिया है। तो दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। और जो अचार के साथ साथ आम के अचार के साथ साथ मैं नींबू का अचार कैसे बनाना है उसकी भी रेसिपी डालूंगी। बहुत ही आसान तरीके से ये अचार बनते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ओके, तो देखिए कितना टेस्टी ये अचार दिख रहा है और ये बिल्कुल स्टोर करने के लिए रेडी है। किसी भी बर्तन में आप रखेंगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से स्टोर कर दीजिए, एयर टाइट बर्तन में। तो हमारा आम का अचार रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।